भाई अच्छी खासी डाल दे ताकि इसका थोड़े से मिक्स बहुत अच्छा बनना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत। सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत होंगे। अच्छा, जितने मेरे लोग कैंडली मेथड को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और क्विक एंड ईजी रेसिपी, जो कि क्या होता है, इसको मेरे ख्याल से पास्ता बोलते हैं। हाँ, पास्ता है, लेकिन ये जो ना एक चीज़ी और ये जो ना यम पम ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बना के दूंगा मैं आपको। तो बहुत ही इजी है और क्विक एंड इजी रेसिपी, जैसे होते हैं ना वैसे। चले बातें काम और इसको बनाते हैं, और जब बन जाएगी ना फिर आपका भी मुंह खुला रह जाएगा। चलो भैया जाओ। तो भाई अभी इसके अंदर हम लोग डालेंगे दूध, ताकि ये गर्म हो जाए पहले। और दूध ये नहीं कि थोड़ा सा, तकरीबन पौना किलो है, तकरीबन किलो के करीब ये थोड़ा सा खाना बस। और अभी इसको छोड़ते हैं गर्म होने के लिए। तो जैसे ही ये गरम होगा उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि क्या करना है हमने। तो भी यहाँ पर हमारा दूध जो ना हो गया गरम। जब दूध गरम होगा उसके बाद हमने डालने हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोनी। मैक्रोनी है भाई साहब, लेकिन जो ना ये इतनी है, तकरीबन होगी 100 ग्राम तक होगी। एक किलो दूध है, 100 ग्राम तक ये है। और अभी हमने इसको इसके अंदर डाल देना जब दूध मतलब फुल गर्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भी इसको डालने के बाद ना अभी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं हम लोग आराम से प्यार से। अभी जो ना मैं इसको इसके अंदर जो ना ऐसे मिक्स कर रहा हूँ, और मिक्स हो जाए उसके बाद देखते अंदर डालते हैं ब्लैक पेपर। भाई अच्छी खासी डालते ताकि इसका टेस्ट अच्छा से आ जाए। चलो पर ब्लैक पेपर को डाल के मैंने इसको जो ना अभी आराम से हिला के इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा नमक डालते हैं, और हल्की सी रेड चिली डालते हैं थोड़ा सा स्पाइसेस देने के लिए। अभी इसके अंदर हम लोग डालते हैं नमक ये दिया अभी नमक इसके अंदर। तो अभी थोड़ी सी ना इसके अंदर हम लोग रेड चिली डाल देते हैं। जी भाई, मीर भी तंग कर रहे हैं कि मुझे भी वीडियो में दिखाओ। नहीं भाई, जब बने तो बस हल्की सी डालनी है, बस हल्का सा टेस्ट देने के लिए बस। और अभी मैं इसको ना सब चीज़ों को ना आराम से मिक्स कर रहा हूँ इसके अंदर। ये थोड़े से मिक्स हो जाए फिर मैं आपको बता दूँ क्या करना है। अभी हम इसको ना थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, तकरीबन जब जितना टाइम लगेगा आपको बता देता हूँ मैं। अभी इसको आराम से खोलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। नहीं, अभी थोड़ी सी देर है, ये पूरा तैयार हो जाए फिर हम इसको अभी थोड़ा सा हिला लेते हैं वैसे। तो भी अभी इसने जो ना सारा दूध को जो ना जैसे सक करना होता है वैसे कर लिया है। और अभी मैं इसकी आंच हल्की कर लेता हूँ, और अभी आखिरी प्रोसीजर जो इसका है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी इसके साथ हमने क्या करना है। तो बहुत ही ईजी है, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे पास चीज़ है जिसको मैंने जो ना स्लाइस कर लिया था ऐसे कट कट कर। अभी जो ना हम ये सारी जो ना इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें गाइस, इस तरह से। तो इस तरह हमने इसके अंदर चीज़ डालनी है। मैं ये सारी एक मिनट आपको दिखाता जाता हूँ कि कैसे लगती है, और उसके बाद हमने इसको बंद कर देना है। तो चीज़ मैंने बहुत ही ज़्यादा ले लिए, और अल्लाह करेगा यार मज़े की बन जाए, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी, उम्मीद तो बहुत है। गाइस जितनी मैं चीज़ डाल रहा हूँ ना इस हिसाब से, तो इसको बहुत ही बढ़िया बनना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। मैंने इसके ऊपर पूरी जो ना चीज़ फैला दी है, और अभी जो ना इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ना हम इसको ढक देते ताकि ये पूरी मेल्ट हो जाए, उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर जो ना हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अभी मैंने इसको ना चूल्हे से हटा लिया है, और ये देखें गाइस, ओ माय गॉड, लुक एट दिस गाइस, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी जो ना हम इसको ना इसमें से निकालते हैं, और खा के आपको टेस्ट बताते हैं टेस्ट कैसे है इसका। तो अभी टाइम है इसको जो निकालने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, अल्लाह बहुत अच्छा बनना चाहिए, मैंने बहुत मेहनत की है, और मुझे भाई साहब देख रहे हो सारी चीज़ ही, और ये सारा मैं बोलता हूँ जी आज मज़ा ही मज़ा आएगा। ओए हाय हाय हाय, थोड़ा सा और निकालूँ, ये मैं खाऊँगा, बाकी घर वाले खा लेंगे, कोई बात नहीं। अरे भाई इसको चम्मच को थोड़ा इसके साथ लगा, याद है मैं खा लेता हूँ थोड़ा सा जो है, बाकी ये जो ज़्यादा है ना वो घर वाले खा लेंगे, ठीक है ना। ये मेरा है गाइस, और ये घर वाले खा लेंगे। चले अच्छा, भाई दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो हमने ब्लैक पेपर डाला है उसका भी थोड़ा आपको दिख रहा होगा, चीज़ ही चीज़ है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो कम खर्च में बारानसी बन सकता है अगर हम घर पे ये चीज़ बनाए करें तो। मैं वीडियो एंड नहीं करने दे रहा था, बोलते अभी मैं भी आऊँगा वीडियो में। तो खैर उसको छोड़ें, और अभी जो ना हम बिस्मिल्लाह करके ना पहली सी बाइट लेते हैं, और देखते हैं कि भाई क्या गुल खिला है मैंने, इतनी देर मेहनत की है। और इसको जो ना भाई साहब 20 मिनट लगे हैं बनते, 20 मिनट आपको पक्के लगेंगे, क्योंकि मैंने इसको बनाया हल्की आँच पर। तो वही सब स्टार्ट। तो भाई अभी बिस्मिल्लाह करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो
भाई मैं इसका रिएक्शन दे रहा था कि पता चला कि भाई हमारी मेमोरी फुल हो चुकी थी। खैर भाई ये माशाल्लाह इतना अच्छा बना कि मीट ना मीट अच्छा मेरे को खिलाता हूँ तो इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त बना कि छोटे बच्चे भी इसको खा सकते हैं, गर्म होगा। अच्छा तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बोलता हूँ आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट को सब कुछ को भूल जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने ना इसके अंदर सब कुछ ना दिल खोल के डाला है। तो ये जो चीज़ है मेरे ख्याल से हम लोग एक प्लेट लेने जाते थे कितने की थी, मेरे ख्याल से 1500-2000 की थी, ऐसे वो डिब्बे में डाल के देते हैं तो ये और ये छोटी डिब्बी होती है और ये तकरीबन 8-9 की और ये जो है ना तकरीबन ये 3-4 प्लेटें बन गई है तो समझे आप 15 पैसे में 3 चीज़ों के लेते हैं, बहुत सस्ता पड़ता है। खैर जो भी है बहुत ही अच्छा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा उसके बाद कमेंट कीजिएगा भले। और ये बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा आ जाओ खिलाता हूँ। अच्छा आ जाओ आ जाओ। अच्छा बोलो सबको सब्सक्राइब करो, बोलो सब्सक्राइब करो। अच्छा अच्छा ठीक है चलो बाय बाय।